वेलकम एवरीवन टू अनदर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम देखेंगे आप ऑडेसिटी में नॉर्मलाइज इफेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों, यूजुअली लोगों में कंफ्यूजन होता है कंप्रेशन और नॉर्मलाइजेशन को लेके। क्या दोनों एक ही इफेक्ट है? क्या हम कंप्रेशन की जगह नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हैं? तो एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि दोनों बिल्कुल ही अलग इफेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों लगभग एक ही तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दोनों की हेल्प से आप ऑडियो की वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाएंगे एंड ऑडियो को इन्हेंस कर पाएंगे। कंप्रेशन को डिटेल में समझने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मेरा कंप्रेशन पर बना वीडियो देख सकते हैं। सो व्हाट इज नॉर्मलाइज इफेक्ट? नॉर्मलाइज इफेक्ट ऑडेसिटी में आपके ऑडियो पर पीक लेवल सेट करने के लिए यूज होता है। जब आप अपने ऑडियो पर नॉर्मलाइज इफेक्ट को लगाएंगे तो आप अपने ऑडियो की वॉल्यूम और लाउडनेस को एडजस्ट कर पाएंगे विदाउट इफेक्टिंग द डायनेमिक रेंज। आपके ऑडियो में लाउड एंड सॉफ्ट पार्ट में जो डिफरेंस होता है उसे हम डायनेमिक रेंज कहते हैं। सो नॉर्मलाइज इफेक्ट का यूजुअली दो चीज़ों में यूज होता है। अलग अलग ऑडियो फाइल्स अगर आपने एक ही जगह इम्पोर्ट की हैं तो उसकी वॉल्यूम मैच करने के लिए, या किसी ऑडियो की वॉल्यूम को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। कई बार ऑडियो की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होती है तो ऑडियो क्लिप हो जाती है, और कई बार बहुत लो होती है तो वो उसको भी हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ऑडियो को इम्पोर्ट कर लिया है और इस पर मैं आपको नॉर्मलाइज इफेक्ट लगा के दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए हमें ऑडियो फाइल का कोई पार्ट या पूरी ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं सिलेक्ट पर जाऊँगा एंड ऑल पर क्लिक करूँगा ताकि हमारी पूरी ऑडियो फाइल सिलेक्ट हो जाए। हम नॉर्मलाइज इफेक्ट पूरी ऑडियो फाइल पर लगाने वाले हैं। अब इफेक्ट पर जाना है हमें एंड क्लिक करना है नॉर्मलाइज पर। नॉर्मलाइज को ओपन करने के बाद ऑडेसिटी हमें कुछ ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन है रिमूव डीसी ऑफसेट सेंटर ऑन 0.0 वर्टिकली। इसका मतलब है कि जो पूरा ऑडियो फाइल की जो वेव फॉर्म्स हैं वो 0.0, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको सेंटर मानकर पूरी एडजस्ट हो जाएंगी। तो हो सकता है वेव फॉर्म्स ऊपर नीचे हों तो वो हमें सेंटर पर करना रहता है ताकि इवन हमारा पूरा ऑडियो हो जाए। इसलिए ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको टिक करके रखना है। सेकेंड पार्ट जो है वो है नॉर्मलाइज पीक एम्पलीट्यूड टू -1.0 डेसिबल। अब यहाँ पर -1.0 जो है ये डिफ़ॉल्ट में दिया रहता है और हाईएस्ट आप 0.0 पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि मैं 1 पर चला जाऊँ, मतलब +1, तो आप यहाँ पर इस इफेक्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 0.0 जो है वो हाईएस्ट है। यहाँ पर आपको -1.0 जो है वो मेरे हिसाब से हाईएस्ट रखना चाहिए ताकि आपका जो ऑडियो है, जैसे कि आप इस ऑडियो पर देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है इसका ये क्लिप हो रहा है और जो ऑडियो फाइल है वो डिस्टॉर्ट हो रही है। तो अगर हम -1.0 पर रखेंगे तो ये नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा पूरा ऑडियो, और हमारा ऑडियो कटेगा नहीं, ऑडियो क्लिपिंग नहीं होगी, डिस्टॉर्शन नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो और कम भी कर सकते हैं इसको, -2 कर सकते हैं, -3 कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कुछ पार्ट को, जैसे कि मैं ये वाले पार्ट को अगर चाहूँ तो -1 रखूँ, और ये बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाला है तो इसको मैं -5 रखूँ ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे ऑडियो पर लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक ही रखिए, -1.0 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। एंड उसके बाद जो थर्ड है वो नॉर्मलाइज स्टीरियो चैनल्स इंडिपेंडेंटली, अनचेक करके रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छूना है आपको। एंड उसके बाद हम बस ओके पर क्लिक करेंगे। सो ओके पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे कि पूरी जो वेव फॉर्म्स हैं वो छोटी हो गई हैं, और जो ये वाली जो वेव फॉर्म्स थी जो हमारी ऊपर जाके क्लिप हो रही थी वो अब नॉर्मल रेंज पर आ गई हैं, और अब हमें जो ऑडियो है वो भी कटा हुआ सुनाई नहीं देगा। अगर मैं एक बार अंडू करके दिखाता हूँ तो ये था हमारा बिफोर एंड ये आफ्टर जब हम नॉर्मलाइज इफेक्ट लगाते हैं। सो अगर आप अब सिर्फ इतने पार्ट को सुनकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी, कटी हुई आवाज़ नहीं आएगी। ओके, सो इसी तरीके से आप नॉर्मलाइज इफेक्ट को लगा के अपने पूरे ऑडियो की वॉल्यूम लेवल को नॉर्मल रेंज पर ला सकते हैं। एंड नॉर्मलाइज इफेक्ट का यूज़ वॉल्यूम को बढ़ाने या कम करने के लिए भी कर सकते हैं आप। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप ऑडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑडेसिटी सीरीज़ के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, एंड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हैं। ऑडेसिटी सीरीज़ के नए ट्यूटोरियल के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।